देश में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक एक दिन में हुई मौतों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बीच बुधवार को देश में 33,80,261 लोगों का टीकाकरण भी किया जा चुका है, जिसके साथ ही 24,27,26,693 लोगों को अब तक देश में टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटों में 6,148 लोगों की मौत हो चुकी है, जो 18 मई को हुई 4529 मौतों के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,60,676 हो गई है और मृत्यु दर अभी 1.23% है। इस दौरान बिहार में सर्वाधिक 3971 लोगों की मौत हुई है। इस अवधि में 9452 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,91,83,121 तक पहुंच गया है। इस दौरान 1,51,367 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक 2,76,55,493 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। देश में सक्रिय मामले 63,463 कम होकर 11,67,952 रह गए हैं। सक्रिय मामलों की दर घटकर 4% रह गई है, जबकि रिकवरी दर बढ़कर अब 94.77% हो गई है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।